आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे मिस्टीरियस टेंपल के बारे में। एक ऐसा मंदिर जिसके बारे में विज्ञान को भी अपना लॉजिक देने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। जगन्नाथ पुरी मंदिर का रहस्य। शायद आप यह जानते होंगे कि पुरी मंदिर का ध्वज हमेशा हवा की उल्टी दिशा में उड़ता है। आखिर क्यों जगन्नाथ? पुरी मंदिर के ऊपर से कोई भी पक्षी या एयरप्लेन नहीं उड़ता। क्या आपको पता है पुरी मंदिर में रोज उतना ही प्रसाद बनाया जाता है जितना वर्षों पहले बनाया जाता था, लेकिन इस मंदिर का प्रसाद कभी खत्म नहीं होता है और ना ही कभी कम पड़ता है, चाहे 2 लाख लोग आए या फिर 3 लाख। क्या आपको पता है प्रभु जगन्नाथ की मूर्ति में एक जिंदा हृदय यानी दिल को लगाया गया है जो आज भी धड़कता है? दोस्तों, यह तो कुछ भी नहीं, आज की इस वीडियो में हम पुरी मंदिर के कुछ ऐसे अनसुने रहस्यों के बारे में आपको बताने वाले हैं जिसको कोई भी वैज्ञानिक आज तक सुलझा नहीं पाया है। ये सभी रहस्य इतने ज्यादा भयानक और खतरनाक हैं जिसका नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। आखिर क्या जगन्नाथ पुरी का रहस्य? जगन्नाथ पुरी के चमत्कार। अगर कोई आपसे कहे कि ना तो भगवान होते हैं और ना ही उनका कोई चमत्कार होता है, तो एक बार उनको यह वीडियो दिखा देना। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में कुछ ऐसे चमत्कार होते हैं तो बड़े से बड़े नास्तिक को भी पल भर में आस्तिक बना दे। आज की युवा पीढ़ी बिना कुछ सोचे और बिना कुछ जाने दूसरों के कल्चर को फॉलो करती जा रही है, जबकि हमारे ही धर्म की इतनी सारी बातें और चीजें हैं जिनके बारे में उन्हें कुछ पता ही नहीं है। हम यह भूल रहे हैं कि हमारे धर्म ने संस्कृति, सभ्यता, मर्यादा और परंपरा को हर काल में जिंदा रखा है। पुरी मंदिर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यह मंदिर ओडिशा के पुरी जिले में मौजूद है। इस मंदिर में प्रभु श्री जगन्नाथ, प्रभु श्री बलभद्र और माता सुभद्रा की पूजा की जाती है। ये मंदिर अपने आप में ही बड़ा रहस्यमय है। हाल ही में कुछ साल पहले पुरी जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार को खोला गया था, जिसकी कीमत इतनी अधिक थी कि जिसे देखकर अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाए। आश्चर्यजनक बात यह है कि पुरी मंदिर के रत्न भंडार की सारी कक्षाओं को नहीं खोला जा सकता, क्योंकि कुछ वैज्ञानिकों के मुताबिक जब वह रत्न भंडार की कक्षाओं के जितना अंदर जाते थे उनको उतना ही डर लगता था, और कक्षाओं के अंदर से उनको सांपों की आवाजें सुनने को मिलती थी जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक थी। कुछ लोग मानते हैं कि रत्न भंडार के सारे खजाने की रक्षा इन्हीं जहरीले सांपों द्वारा की जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ दुनिया के सबसे रहस्यमय मंदिर जगन्नाथ पुरी के कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप हैरान हो जाओगे। कुछ ऐसे रहस्य जिनके बारे में जानने की तमाम कोशिश करने के बावजूद भी वैज्ञानिक नहीं सुलझा सके। इस मंदिर के बारे में विज्ञान के पास भी लॉजिक देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। जगन्नाथ धाम, जहां आज भी धड़कता है भगवान श्री कृष्ण का दिल, हैरान करने वाले मंदिर से जुड़े रहस्य। उड़ीसा राज्य में पुरी का जगन्नाथ धाम 4 धामों में से एक है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। माना जाता है कि द्वापर के बाद भगवान श्री कृष्ण पुरी में बस गए थे और बन गए जग के नाथ अर्थात जगन्नाथ। यहां भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। इस मंदिर से जुड़ी कई मान्यताएं और रहस्य हैं। इस मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ओडिशा के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित जगन्नाथपुरी मंदिर से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें जानकर आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। तो चलिए जगन्नाथपुरी मंदिर के इन चमत्कारी रहस्यों के बारे में आपको बताते हैं। मान्यता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्यागा था तब उनका अंतिम संस्कार किया गया था। इस दौरान उनका बाकी शरीर तो पंच तत्वों में विलीन हो गया था, लेकिन उनका दिल सामान्य और जीवित रहा था। कहा जाता है कि उनका दिल आज भी सुरक्षित है जो पुरी के भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर आज भी धड़कता है। बता दें, पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा की लकड़ी की मूर्तियां विराजमान हैं, जिन्हें हर 12 साल बाद बदला जाता है। और जब इन मूर्तियों को बदला जाता है तब पूरे शहर की बिजली को बंद कर दिया जाता है। इस दौरान मंदिर के आसपास पूरी तरह अंधेरा होता है। इसी के साथ मंदिर की सुरक्षा में सीआरपीएफ के जवान तैनात किए जाते हैं। इस दौरान मंदिर में किसी का भी प्रवेश वर्जित होता है। मंदिर में इन मूर्तियों बदलने के लिए सिर्फ एक पुजारी को प्रवेश की अनुमति होती है। पुजारी को हाथ में दस्ताने पहनने होते हैं, साथ ही आंखों पर पट्टी भी बांधी जाती है जिससे पुजारी मूर्तियों को बदलते समय अपनी आंखों से नहीं देख सके।
आश्चर्य की बात तो ये है कि मंदिर में पूरी तरह से अंधेरा होने के बाद भी पुजारी की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है, जिससे मूर्तियों के बदलने की प्रक्रिया को किसी भी तरह न देखा जाए। माना जाता है कि जब पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति बदली जाती है, तब पुरानी मूर्ति से एक चीज निकाली जाती है, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहते हैं। इस ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में रख दिया जाता है। मान्यता है कि यह ब्रह्म पदार्थ भगवान श्री कृष्ण का हृदय है, और अगर किसी ने इसे देख लिया तो उसकी मृत्यु निश्चित है। जगन्नाथपुरी मंदिर का आर्किटेक्चर बेहद सुंदर है। इस मंदिर की एक विशेषता यह भी है कि मंदिर समुद्र के किनारे होने की वजह से लहरों की आवाज लगातार आती रहती है, लेकिन जैसे ही मंदिर के सिंहद्वार में आप प्रवेश कर लेते हैं, वैसे ही लहरों की आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है। इस मंदिर की एक विशेषता यह भी है कि मंदिर के ऊपर एक सुदर्शन चक्र लगा है, जिसे कहीं से भी देखने पर वो हमेशा सीधा ही दिखाई देता है। यानी आप कहीं से भी खड़े होकर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि सुदर्शन चक्र का मुंह आपकी ही तरफ है। इस मंदिर के ऊपर एक झंडा लगा है, जिसे प्रतिदिन शाम को बदलना जरूरी माना जाता है। इसके पीछे की मान्यता है कि अगर इस झंडे को नहीं बदला गया तो यह मंदिर आने वाले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। इस झंडे से जुड़ा एक और रहस्य है कि यह झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। इस रहस्य को आज तक कोई भी जान नहीं सका है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। यह तो आप सभी जानते हैं कि किसी भी चीज पर सूर्य या चांद की रोशनी पड़ने पर उसकी परछाई बनती है, लेकिन इस मंदिर के शिखर पर सूरज की रोशनी हो या चांद की रोशनी, किसी भी रोशनी पर कभी भी कोई परछाई नहीं बनती है। आपने ये तो हमेशा देखा होगा कि मंदिर या बड़ी इमारतों पर पक्षी हमेशा बैठे दिख जाते हैं, लेकिन पुरी के इस मंदिर के ऊपर से न ही कभी कोई प्लेन उड़ता है और न ही कोई पक्षी मंदिर के शिखर पर बैठता है। भारत के किसी दूसरे मंदिर में ऐसा कभी नहीं देखा गया है। कहा जाता है कि जगन्नाथ पुरी मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है, और इस रसोई का रहस्य भी चौंकाने वाला है। मंदिर में भगवान के प्रसाद को पकाने के लिए मिट्टी के 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक रखकर चूल्हे पर पकाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात तो ये है कि इस दौरान सबसे ऊपर रखे बर्तन का प्रसाद सबसे पहले पकता है। इसके बाद एक एक करके नीचे रखे मटकों का प्रसाद पकता जाता है। कहा जाता है कि चाहे कितने ही श्रद्धालु क्यों ना आ जाएं, प्रसाद कभी खत्म नहीं होता है और न ही कभी व्यर्थ जाता है। मंदिर के बंद होते ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हर साल अषाढ़ माह के शुक्त पक्ष के दूसरे दिन निकाली जाती है। इस साल ये रथ यात्रा 20 जून 2023 को निकाली गई। रथ यात्रा का महोत्सव 10 दिनों तक चलता है, जो शुक्ल पक्ष की 11 के दिन समाप्त होता है। इस दौरान पुरी में लाखों की संख्या भक्त पहुंचते हैं, जो न सिर्फ भारत से होते हैं बल्कि विदेशों से भी आते हैं और इस महा आयोजन का हिस्सा बनते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण उसके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को रथ पर बैठाकर गुंडीचा मंदिर ले जाया जाता है। इस दौरान तीनों रथों को भव्य रूप से सजाया जाता है, जिसको लेकर तैयारियां महीनों पहले से शुरू हो जाती हैं।